स्टार देखने वाले सारे दर्शकों ने मिठू गुबाणा की राम राम भाई भाई। मिठू गुबाणा आज खड़ा है गुबाणा गांव की धरती पे, जो कि मेरा गांव है मिठू का। और भाई आज हमारे गांव में एक प्रोग्राम कराया गया है, जो छोटी चुपाड़ में रागनी कंपटीशन, और जो हमारे पूर्व सरपंच रहे उड़ हैं दादा रमेश, उनने प्रोग्राम कराया सारा। और भाई सारे गाँव के समस्त बुजुर्ग और जो नौजवान साथी है सारे यहाँ पधार रहे हैं, और जो चीफ गेस्ट है यहाँ पे संजय कमलाना जी भी। सरपंच रहे उन तो बात और करवाएंगे, जो रमेश प्रधान जी है। प्रधान जी राम राम। हाँ राम राम जी। जो आज प्रोग्राम था जो छोटी चौपाड़ में अपना, उसके बारे में बताओ एक बार। हाँ बताओ जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? जो प्रोग्राम हुआ है वो किसके ऊपर था और क्या कौन कौन चीफ गेस्ट थे उसमें? ऐसा है जी, ये पूरे गाँव की तरफ से था, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का कोई प्रोग्राम नहीं था। ये सब ने, हर बरादरी के आदमियों ने मिलकर ये गौशाला में जाकर इसका न्योता दिया था कि भाई तू आ जाए एक बार, तेरे को हम गाँव में बुलाना चाहते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जो संजय ने कराए हैं, जैसे ज़मीन का एक मसला था 10 किले का, वो हार लिए थे केस। एक दो केस और ऐसा था जो सारे मतलब समाज के काम थे, किसी एक आदमी का नहीं था। तो लोगों के कुछ थोड़ी सी ये भावना बनी कि भाई जब ये छोरा इतने काम का है तो भाई इसको एक मौका दिया जाए। और फिर ये रात ने इसमें एक यह खासियत तो है, मैंने खूब नोट किया, क्योंकि मेरी तो इसके बाबू तैयारी थी ओम थे, तो यो चाचा भी कह दे है, भाई भी कह दे है, प्रधान भी कह दे है, तो मेरी तो पुरानी थी। लेकिन आज ये जो प्रोग्राम था, ये पूरा गांव की तरफ से ये प्रोग्राम था, उसके सम्मान में जो इसने काम कराए है, आगे भी कराता रहे। और खासियत इसकी यह है कि भाई रात में भी जाके कोई उठा लो तो ये 12 बजे भी तैयार मिलेगा। अच्छा, फिर गुबाणा का आपने क्या आश्वासन दिया? गुबाणा का आपने तो भाई अगर वहीं थे, आप भी थे और मैं भी था, वो सब सुन ही रहे थे कि भाई इबकैनो जो पीछे जो कमी रही उसको इबकैनो नहीं रहने देंगे। और भाई दूसरा ये भी है कि हमारे बारे में भी लागे है, 12 गांव जो हैं उसमें जो है इसका गांव उसमें भी आया है, और फिर 25 साल से ये लड़का लगा हुआ है भाई। तकरीबन सब के नंबर आ लिए, पंडित जी 2 बार बन लिए भाई, धीरपाल 5 बार बनया, तो भाई ये भी 25 साल से लग रहा है। तो भाई इसको मेरा अपना ये है कि भाई लोगों ने इसको जो है मौका देना चाहिए। बड़ा काम ने है कि मतलब जीत का आश्वासन दे दिया, संजय जी बिल्कुल दे दिया जी, अपनी तरफ से बिल्कुल दे दिया। जो बाहर भी और जो मेहनत होगी वह भी मतलब करेंगे, जो बाकी गांव है वो साथ के जो गांव और लगते हैं उनमें भी, जिसका भी जहां जैसे भी है, किसी की भी अगर कोई जान है पहचान है या कोई और है तो उड़े भी जो है मदद करेंगे। तो एक तरफ से ये उसको ये पक्का आश्वासन आज दे दिया कि भाई अब हम तेरे साथ पूरा गुबाणा गाँव साथ आपके, और पूरे बरादरी के आदमी आए हुए थे, ऐसा नहीं कोई एक पर्टिकुलर उसका नहीं था, मतलब हर 37 बरादरी से थे, तो मतलब हर तरह से हर गांव का हर एक उससे आदमी आया हुआ था। तो उसी से ये लगता है कि ये पूरा जो है गांव का प्रोग्राम था, किसी एक आदमी का प्रोग्राम नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो संजय कमलाना के ऊपर जो पंचायत में वो हुई थी, उसमें चुपाड़ में जो बैठक हुई उसके बारे में बताओ, जो क्या क्या कार्यक्रम था उसमें? कार्यक्रम तो गांव की तरफ से उनका सम्मान समारोह था, और गांव ने उनका बहुत अच्छे तरीके से सम्मान करने का काम किया। गांव की तरफ से गांव के बुजुर्ग ने पगड़ी बांधने का काम किया और उनके वजन के बराबर नोटों से तोलने का काम किया, और गांव ने पूरा विश्वास भरोसा और आश्वासन दिलाया है कि अगली बार पूरा गुबाणा गांव उनके साथ रहेगा, और जो पीछे भूल रह गई थी उसको सुधारने का काम करेगा, और अकेला गुबाणा गांव नहीं बल्कि पूरे बारे में इसका प्रयास किया जाएगा, क्योंकि हमेशा बारे ने दूसरों की वोट डाली है, अपने बारे में तो पहली बार नंबर आने का काम हुआ। ये सारे दर्शक दिनेश देसवाल की राम राम। नमस्ते भाई, आज आ रहे हैं गुबाणा गांव में। गुबाणा गांव में भाई संजय कबलाना एक समाज सेवी मान्य जा हैं। संजय कबलाना गऊ भगत हैं, परिवार गऊ तो जुड़े उड़ है, हिंदू नेता मान्य जा हैं। राम राम भाई साहब। राम। तो भाई साहब आज के प्रोग्राम चल रहे हैं अपना गुबाणी में? आज पूरा गुबाणा गांव चुपाड़ में इकट्ठा होया, और पूरे गुबाणा गांव ने ही मेरे को न्योता और निमंत्रण दिया कि आप मेरे हमारे गाँव में आओ, आपका सम्मान करेंगे और आपको आज गोद लेने का काम भी करेंगे। जिस तरीके से आप लोग पत्रकार साथी यहाँ खड़े थे, हमारे बुजुर्ग ने पगड़ी बांध करके
खुद अपने मुंह से कहने का काम किया कि हमने आज संजय कबलाना को गोद लेने का काम किया। और देवेंद्र भाई भी खड़े हैं, डॉक्टर साहब भी खड़े हैं, रमेश प्रधान जी, बिजेंद्र जी भी, शिव कुमार चौगामा प्रधान जी भी यहाँ मौजूद थे। पूरे गाँव ने एक प्यार से आशीर्वाद देने का काम किया है और गाँव ने खुद अपने आप मेरे को बुलाया। तो इलेक्शन की लहर शुरू होगी? मतलब देखिए, राजनीति में चुनाव की लहर तो रहती है और जिसको राजनीति करनी है, जिसको चुनाव लड़ना है, उसने मैदान पर रहना पड़ता है। अपने बारे तो क्या उम्मीद लेके चल लो भाई साहब? देखिए, मैं अकेले बारे की बात नहीं करता, मैं तो पूरी बादली कौन सी चौनसी की बात करता हूँ और पूरी बादली कौन सी चौनसी का मेरे ऊपर 36 बरादरी का पूरा लाड प्रेम आशीर्वाद है। और अपने गोबाणा गांव ने जो आज आशीर्वाद और प्यार दिया, तो गोबाणा गांव का काम है, दुलेड़े बारे का काम है, हमारे बारे का काम है, वो क्या फैसला लेता है। और मैं उनका बेटा, उनका भाई, उसमें कोई दोरा नहीं, लेकिन मेरे लिए तो 100 के 100 काम मेरे लिए बराबर हैं और 36 बरादरी का आशीर्वाद है। और मैं पूरी कौन सी चौनसी से बादली से आशीर्वाद मांगता हूँ। और उन्होंने मेरे को 2019 में 30,000 वोट दे करके प्यार और सम्मान दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं वोटों को 60,000 की दिशा में भी पूरे बादली क्षेत्र बदलने का काम करेगा और अपना आशीर्वाद देने का काम। गठबंधन को लेकर के विचार हैं आपके? मान लो जेजेपी बीजेपी एक रही, एक को लड़ना पड़े तो? देखिए, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आज हरियाणा प्रदेश में गठबंधन है। आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, हम उनके सिपाही हैं, हम उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो जो समय आएगा गठबंधन का आएगा या अलग लड़ने का आएगा, उस समय पे फैसला लिया जाएगा। और रही चुनाव की बात, चुनाव तो जब खिलाड़ी ग्राउंड में रहता है और ग्राउंड में खेल की तैयारी करता है तो उसने कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती, खेल कब होना है, गेम कब होना है, चुनाव कब होना है, वो कि हमेशा उसने अपने तत्पर रहना चाहिए और उसने लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। चलो, ये तो चुनाव की बात होगी भाई साहब, जो गौ माता के त्यौहार चल रहे, सकरात चल रहे, उस पर गौओं को लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा, मैं खुद उस परिवार से संबंध रखता हूँ जो मेरे पिताजी ने गौ माता के लिए उम्र कैद काटी। मैं एक प्रार्थना जरूर करना चाहूँगा सरकार से, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में जो आवारा पशु खेतों में घूम रहे हैं, जो फसल को ख़राब कर रहे हैं, मैं एक प्रार्थना जरूर करना चाहूँगा, जो राजस्थान से पशु आते हैं, सरकार को मैं बताना भी चाहूँगा और मैं दरख्वास्त भी लगाऊँगा उप मुख्यमंत्री का, तुम मिलूँगा, कम से कम बॉर्डर पर ये जो आवारा पशु आते हैं, जो राजस्थान से आते हैं, इन पर ये बहुत पशुओं को यहाँ छोड़ करके जाते हैं, जो बचपन से बछड़ा होता है लेकिन बाद में सांड का रूप लेता है। और सबसे ज़्यादा नुकसान, मैं ये कहता हूँ, ये राजस्थान वाली जो गावड़ी बड़े सिंगों वाली जो ये सांड आवारा, सबसे ज़्यादा नुकसान खेती का, किसान का ये सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे तो जो बैल होया करते, जो अक्कल होया करता, जो देसी गायें होया करती, वो तो इतना नुकसान कराया नहीं करती कभी, वो तो खेत में जाया भी करता, अक्कल चर के वापस आ जाया था घर पे, गायें भी जाया करती, घूम फिर के सामने अपने घर आ जाया करती। आज जो ये आवारा पशु घूम रहे हैं, मेरी प्रार्थना है जो राजस्थान से जो बाहर से गौ आती हैं, उन पर विशेष रोक लगाई जाए। और रोक नहीं लगाई जाए, उनको आने का अधिकार है गौ माता को, तो लेकिन उनकी तसल्ली की जाए, कितनी गायें आप लेकर के गए और वापस आप लोग कितनी गायें लेकर के जा रहे हो, इसके लिए भी समाधान होना। और रही गौ माता की बात, जिस तरीके से कल खेड़का गांव में भी गौशाला प्रोग्राम था, उसमें भी हम योगदान दे करके आए और पूरा गोबाणा गांव भी दे करके आया, माजरी भी सारे गाँवों ने इकट्ठा कर करके चंदा देना काम किया। 3 दिन पहले 6 तारीख को लाड पर में गौशाला का कार्यक्रम था, अभी फरकनगर 12, 13, 14, 15 का कार्यक्रम है। और गौ माता की सेवा तो सबसे बड़ी सेवा है, जिन्होंने गौ माता की सेवा की है वे हमेशा फड़े फूले हैं, उन्हें घर में मौज रही है, उन्हें घर में दिन दुगुनी रात चुगुनी बढ़ोतरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर पधारे, धन्यवाद भाई। आपका भी बहुत बहुत भाई साहब। देवेंद्र तब बात करेंगे तो देवेंद्र भाई, केला गया आज गोबाणे की पब्लिक देख भाई, गोबाणे ने पूरे गाँव ने संजय को निमंत्रण दिया और आज बहुत बड़ा विश्वास भाई को दिया कि आने वाले चुनाव में गोबाणा गांव
और ये पूरा हमारे सुगामा और पूरा बारा संजय के साथ है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत प्रधान जी की। कुमार जी, रमेश जी भी। भाई ने गौ माता के ऊपर जो बात बताई, वे मान लिया आज इनका राज भी है, कितनी ठीक है? बहुत ठीक है, सारी की सारी ठीक है। और ये सरकार गौ माता के लिए कर भी रही है और अब और प्रयास करेंगे। भाई संजय ने अभी बताया कि मैं डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत चौटाला जी से मिलूंगा और ये बाहर से गायें आती हैं उनके समाधान के लिए भी और गौशालाओं के लिए भी जो सरकार योगदान कर रही है उस राशि को बढ़वाने का काम करूंगा। चलो धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए। और कोई सा बोल लगा जी? प्रधान जी खड़े, शिव कुमार जी, कुमार वो खड़े में से प्रधान है शिव कुमार जी। बताऊंगा मैं क्यों बोला। ना डट जाओ, डट जाओ। चौगाम में के प्रधान है शिव कुमार जी, इनसे बात करते हैं। राम राम प्रधान जी। नमस्कार भाई साहब। तो प्रधान जी, आज संजय कबलाना जी का धन्यवाद भी करे आप लोगों ने, भाई इसने जमीन वमीन छटवाई है, कई काम करे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताओ हमारे दर्शक। भाई पहली बात तो ये संजय कबलाना भाई हमारे बहुत ही अजीज है, जो हमारे चेयरमैन साहब थे भाई साहब, उनसे गो बाणे का बहुत ही पुराना लगाव था और भाई उसी हिसाब से भाई से भी हमारा लगाव है। और हमने एक छोटा हन्योता दिया था भाई, भाई दौरे का ही काम करवाए थे, अपने पर्सनल नहीं, गांव के काम थे, गांव की ज़मीन थी, एक सुनार का उस पर कब्जा करे बैठा था। और भाई यहाँ पटवारी का भी तहसील में भी हो लिया था, चंडीगढ़ भी जा लिए थे, उसके बाद में दोबारा फिर वो चंडीगढ़ से यहाँ आ गई थी कार्रवाई। तो यहाँ इन्होंने उसने लास्ट में जब उसका हालात ये होगी भाई ये कामयाब ना हो, तो उन्होंने डीसी को अपनी दरख्वास्त लगाई कि ये तहसील में से बदलना चाहिए, मेरा इस तहसील से बदल करके केस दूसरी तहसील में भेज दिया जाए। और डीसी को उसके लिए प्रार्थना पत्र भेजा, तो महाराज हमने तो बारह भाई अगला कदम था, हमने इनको याद कराया। और ये हमने तो ये सोचा था भाई गाँव इकट्ठा हो गया, भाई दौरे कबलाने चल लेंगे, तो इन्होंने बोला भाई बूढ़ा आने की जरूरत नहीं है, आप सीधे झज्जर पूछो और मैं उड़े मिल लूँगा। तो हमारे तो जाने से पहले भाई ने डीसी से मतलब गांव के बारे में अनुरोध किया और हमारे को उस चीज़ में जीत दिलाई। हम तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बाने गांव की उसमें जीत दिलाई है, वो भाई का सहयोग था। हाँ जी, धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जय कबलाना, जिंदाबाद। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। धन्यवाद, जय जय भारत। थैंक यू सर। जो गुबाना गाँव के जो देवेंद्र प्रधान है उन तौर बात करवाऊंगे आप सब की। प्रधान जी राम राम। राम राम मिठू भाई, क्या हाल है भाई? बढ़िया, आप सुनाओ, आप स्वस्थ हो? हाँ एकदम स्वस्थ भाई। तो आज जो चुपाड़ में, छोटी चुपाड़ में जो कार्यक्रम हुआ था उसके बारे में बताओ दर्शकों ने। भाई संजय हमारे बारे का है, लाडला भाई है, गांव ने इकट्ठा होकर गांव ने निमंत्रण दिया और संजय को बुलाया। पिछली बार कुछ कमियां रह गई थी, उस बारे में हमारी बैठक गांव की और संजय की बातचीत हुई है और आगे को बाना गांव एक तरफा माहौल बना गए और संजय भाई के साथ है। माजरी, लूकसर, गंगड़वा, जगरत पर और जितने बारे के गांव, हम सभी गांवों में गुबाना जाएगा और संजय की मजबूती के साथ मदद करेगा। मतलब गुबाना गांव ने जीत का आश्वासन दिया? बिल्कुल भाई, जता खंदावांगे और पूरे गांव ने एक विश्वास दिया भाई। जी भाई, अपने दादा जंगी हिंद और बात करें। दादा राम राम। राम राम भाई। संजय कबलाना किसा व्यवहार था जो चुपाड़ में आए थे? भाई संजय कबलाने का आज का व्यवहार नहीं, हम तो 25 साल से इसके बाप से पुराने ताल्लुकात हैं अपने गांव के, मेरे नहीं, एक अच्छा परिवार से, चेयरमैन साहब भी अच्छे थे इनके पिताजी, और संजय कबलाना बहुत ही नेक ईमानदार आदमी है। और भाई के ने गोभाने गांव ने ठान लिया कि भाई संजय को गांव से जता के भेजना है। मतलब जीत का आश्वासन दे दिया गुबाने का? आश्वासन गुबाने ने दे दिया और भगवान की दया से अब की बार इसको जीत मिलेगी, क्योंकि ये लोगों से जुड़ा रहा है और ये नहीं है मतलब लोगों से दूर हट जाता, नहीं, लोगों के बीच में रहता, काम कराता है। इन सरकार गठबंधन की है, फिर भी MLA इतने काम नहीं कराता जितने ये कराता। गुबाने गाँव का दो चार काम बहुत बढ़िया कराए, इसलिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं और भाई तन मन धन से उसके साथ हैं। ठीक, जो अपनी रागनी भी हुई थी उड़े, तो वहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकार आए थे। प्रधान जी एक बार कलाकारा के बारे में और बताओ कि जो रागनी गाना आए थे उनके बारे में कैसे आए थे? भाई रागनी गाणिया अपने लोकल बालक थे, गाँव के थे दो तीन, थे उनका अपना अपनी एक जो गांव है उनकी एक टीम है, वे लोकल भाई है और बहुत बढ़िया रागनी सुनाई उन्होंने, मज़ा आ गया भाई।
मोटे कती जाम बैठा दिया मोटा तो वाक्य में बढ़िया गाव है और पूरा भाई सहयोग भी करे सब ने भाई किसी ने 100 किए ने 500 रुपये दे के उनका मान सम्मान करे और बहुत बढ़िया रागनी सुनाई। एक दिन उभरता सितारा है और पंडित लक्ष्मी चंद की दादा जाट मेर सिंह की बहुत अच्छी को बहने गांव की चौपाइड में रागनी सुनाई और भाई गांव ने भी उनका अच्छे प्रकार से स्वागत किया है और आशा करते हैं भविष्य में ऐसा है गाते रहें। ये हमारी शुभकामनाएं उनके लिए है। धन्यवाद जी। चार जगह पे उड़ा भरया गछड़े गया मेरे।